हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे सलमान भाई की मच वेटेड आपकी मूवी सिकंदर को लेकर। फ्रेंड, आप सबको मानना पड़ेगा कि जब से सलमान भाई की मूवी सिकंदर अनाउंस हुई है, तब से लेके अभी तक हर तरफ सिर्फ आपको सोशल मीडिया पे सिकंदर मूवी का अपडेट देखने को मिल रहा है। सिकंदर मूवी का कोई ना कोई चर्चा होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग इस टाइम पागल हुए हैं सिकंदर मूवी के लिए। उनसे वेट नहीं हो रहा कि कब E2025 आए और सल्लू भाई को अपने टिपिकल मैथ वाले अवतार में एक बार फिर से देखें। फ्रेंड्स, सिकंदर मूवी का जो प्रोड्यूसर है वो है साजिद नडियाडवाला। आपको मानना पड़ेगा कि जब भी कोई मूवी की प्रोडक्शन साजिद नडियाडवाला के बैनर तले होती है तो उस मूवी की अपडेट्स बहुत मजे की आती हैं। यानी आपको कुछ ना कुछ अपडेट्स मिलती रहती हैं प्रोड्यूसर्स द्वारा, डायरेक्टर्स द्वारा या प्रोडक्शन हाउस द्वारा। अब आज से पहले चर्चा किया जा रहा था कि सिकंदर मूवी का विलन कौन होगा। हमने उस टाइम भी आपको तीन नाम बताए थे कि सबसे पहला कंसीडर संजय दत्त साहब को किया जा रहा है, उसके बाद बॉबी देओल का नाम आ रहा है, उसके बाद अक्षय कुमार का नाम आ रहा है। फ्रेंड, आपको सलमान भाई की एक चीज माननी पड़ेगी कि सलमान भाई का ज्यादा सिरा दिल होता है कि जिनके साथ उनका फ्रेंडली माहौल है, जैसे संजय दत्त हैं या बॉबी देओल हैं, वो उनके साथ ज्यादा काम करते हुए आपको दिखाई देते हैं। अब उसका मूवी पे नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है, वो एक अलग चर्चा है। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि जो उनकी फ्रेंड सर्कल है वो ज्यादातर आपको सलमान भाई की मूवीज में भी दिखाई देते हैं। फ्रेंड, साजिद नडियाडवाला के घर की एक लेडीज हैं जो कि प्रोडक्शन हाउस को लेकर काफी एक्टिव रहती हैं। जब भी कोई बड़ी मूवी साजिद नडियाडवाला के बैनर तले बनती है तो उसकी अपडेट्स अपने ट्विटर पर देती रहती हैं। अभी उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है कि सिकंदर मूवी का जो विलन है उसकी अनाउंसमेंट आपको जून के फर्स्ट वीक में होती दिखाई दे देगी, और जून के फर्स्ट वीक से ही आपको सिकंदर मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट होती दिखाई देगी। तो फ्रेंड, एक बार फिर चर्चा उठ गया कि सिकंदर मूवी का विलन कौन होगा। हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो जो कि आज से 8 to 10 days पहले बनाई थी, मैंने आपको एक चीज कही थी कि 90% चांस है कि संजय दत्त आपको सिकंदर मूवी में विलन का रोल करते दिखाई दें, और अब लग रहा है कि बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। क्योंकि वहां से क्या खबर आ रही है वेलकम टू द जंगल से कि संजय दत्त हट गया मूवी से, संजय दत्त वेलकम टू द जंगल नहीं कर रहे। कारण क्या है कि संजय दत्त जून से शूटिंग में मसरूफ हो जाएंगे सिकंदर मूवी के, जबकि वेलकम टू द जंगल की भी आजकल ही शूटिंग चल रही है। तो डेट का इश्यूज बना के संजय दत्त ने वेलकम टू द जंगल वाले मेकर्स को टाटा बाय बाय कर दिया। फ्रेंड, सलमान भाई का एक गोल्डन एरा था 2010 से लेकर 2019 तक, जहां उन्होंने ब्लॉकबस्टर पे ब्लॉकबस्टर 5 कंसेक्यूटिव ब्लॉकबस्टर मूवीज दी, उसके बाद भी उन्होंने ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज भी दी, काफी रिकॉर्ड्स भी क्रिएट किए, मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे वो लास्ट डेकेड के। तो इस दफा जो सलमान भाई के फैंस है उनकी विश है कि सलमान भाई भी शाहरुख खान की तरह एटलीस्ट 400 करोड़ 500 करोड़ क्लब की इनॉग्रेशन करें अपने लिए, और सिकंदर मूवी से अच्छी कोई मूवी नहीं हो सकती इस काम के लिए। तो फ्रेंड, कितना एक्साइटेड आप सिकंदर मूवी को लेकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।